बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू आल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 8th की मैथ्स में हम एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करवाऊंगी। एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है, एवेल्युएट द फॉलोइंग व्हेन ए इज़ इक्वल टू 3, B is equal to minus 1 and C is equal to 2। हमें A, B and C, C की ये values दी हुई हैं। हमने इनको क्वेश्चन में पुट करना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट A हमारे पास है 5A minus 10। अब A की जगह पे हम लोग 3 राइट करेंगे। A को 5 से मल्टीप्लाई करना है, मींस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। अपनी नोटबुक पे क्वेश्चन राइट करें, 5A minus 10, पुट A इज इक्वल टू 3, 5A minus 10, सो 5 into 3, 3 A की वैल्यू है, तो 5 3s are 15, 15 minus 10, 15 minus 10 इज 5, 5 इसका आंसर आ जाता है। इसी तरह इसके सेकंड पार्ट में और थर्ड पार्ट में भी आपने बी और सी की वैल्यूज पुट करनी है और इनको सॉल्व आउट करना है। इन दोनों क्वेश्चंस को भी आप अपनी नोटबुक पे करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, एवेल्यूएट द फॉलोइंग फॉर एक्स इज इक्वल टू -5 एंड वाई इज इक्वल टू 2। सेम इसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जहां हमें ए बी एंड सी गिवन था, अब हमें एक्स एंड वाई गिवन है। हम लोगों ने इसकी वैल्यूज पुट करनी है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन आप पहले अपनी नोटबुक पर राइट करेंगे। हमारे पास है क्वेश्चन, 7 minus 3xy। सॉल्यूशन में पुट एक्स इज इक्वल टू -5 एंड वाई इज इक्वल टू -2। हमारे पास ये है, तो 7 minus 3xy। अब हमारे पास एक्स और वाई की जगह पे हम लोगों ने एक्स की वैल्यू -5 पुट करनी है, वाई की जगह पे हम लोगों ने 2 पुट कर देना है। -5 and 2 is -10, 5 2s are 10 एंड 10 3s are 30 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाता है। जब ये माइनस और माइनस प्लस हो गया तो हमारे पास 30 plus 7 आ गया। 30 plus 7 is equal to 37, 37 इसका आंसर आ जाता है। इसी तरह आप इसका क्वेश्चन नंबर 2 and 3 B करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, एवेल्यूएट द फॉलोइंग व्हेन K इज इक्वल टू -2, L इज इक्वल टू 3, M इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन नंबर 1 और एंड क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ये क्वेश्चन भी है। इसी तरह हमने K की वैल्यू पुट करनी है, फिर L की वैल्यू पुट करनी है, देन M की वैल्यू पुट करनी है, जहाँ जहाँ क्वेश्चन में इसकी डिमांड होगी कि आप इसको पुट करें। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग अपनी नोटबुक पे राइट करेंगे और इसको भी इसी तरीके से हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, के स्क्वेयर इज इक्वल टू 2L minus 3M। अब सॉल्यूशन पुट, के इज इक्वल टू -2, एल इज इक्वल टू 3, एम इज इक्वल टू 4। के स्क्वेयर है तो हमारे पास -2 का स्क्वेयर आएगा, 2 into 3, एल है तो 2 into 3 हो जाएगा -3 एंड एम की जगह पे 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस एंड 2 2s are 4, 4 into 2 3s are 6, -3 4s are 12, 12 में से 6 को माइनस करें -6 आ जाता है, 4 into -6 is equal to -24। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आपने इसका क्वेश्चन नंबर 2 and 3 भी करना है। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, एवेल्यूएट ए प्लस 1 डिवाइड बाय 4a² - 1 व्हेन ए इज इक्वल टू 1/2 एंड व्हेन ए इज इक्वल टू -1/2। टेक ए 1/2, पहले हम लोग इसमें 1/2 को ले लेते हैं, इसमें पुट करेंगे ए की जगह पे, उसके बाद हम -1/2 इसमें पुट करेंगे। ए प्लस 1 डिवाइड बाय 4a² - 1,
वन ए की जगह पे हमने क्या पुट किया, वन बाय टू प्लस वन अपनी जगह पे एज इट इज आएगा, डिवाइड बाय फोर इंटू ए की जगह पे वन बाय टू, वन बाय टू का स्क्वेयर लेंगे, माइनस वन माइनस वन माइनस वन हमारे पास एज इट इज आएगा, माइनस वन का हम स्क्वेयर नहीं लेंगे क्योंकि ये हमारे पास नहीं था तो हम इसका स्क्वेयर नहीं लेंगे, ये जस्ट हमारे पास रहेगा वन, ठीक है, ये हमारे पास वन ही रहेगा। अब है ये वन बाई टू प्लस वन, वन बाई टू प्लस वन, इसका ये एलसीएम ले लिया है, वन बाई टू प्लस वन, इसके दरमियान में प्लस है तो इस वजह से इसका एलसीएम आएगा टू, तो टू के ऊपर वन न्यूमरेटर है, वन एज इट इज आएगा, प्लस यहाँ वन के नीचे वन था तो इस वजह से ये इधर आएगा टू, वन प्लस टू डिवाइड बाई टू, ये हमने इस टू का एलसीएम ले लिया है इसके अकॉर्डिंग। अब डिवाइड का निशान अपनी जगह पे आएगा, फोर इंटू वन बाई टू स्क्वेयर, तो वन बाई फोर आ गया, माइनस वन, वन अपनी जगह पे एज इट इज आ गया है। फोर एंड फोर इसकी कैंसिलेशन हो सकती है, इसको आपस में कैंसिल करेंगे, यहाँ हमारे पास वन माइनस वन रह जाएगा और ये वन प्लस टू थ्री हो जाएगा तो ये हमारे पास थ्री बाई टू आ जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए तो थ्री बाई टू हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। इसी तरीके से हम इसको टेक ए इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू इसको पुट करेंगे तो इसका हम ये इसी तरीके से पार्ट निकाल लेंगे। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ। क्वेश्चन नंबर फाइव हमारे पास है, ए इज इक्वल टू नाइन, बी इज इक्वल टू ट्वेल्व एंड सी इज इक्वल टू माइनस फिफ्टीन, सॉरी माइनस नहीं है जस्ट फिफ्टीन है, एंड एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय टू, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी टू, पुट वैल्यूज, हमने इसमें वैल्यूज पुट कर दी हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी, हमने इनको जब पुट कर लिया तो इन प्लस करने से 36 आ गया और डिवाइड बाय 2, इन दोनों की भी आपस में कैंसिलेशन हो सकती है तो इसका आंसर आ गया 18। अब हम s माइनस ए निकालने के लिए, s माइनस ए हमारे पास s माइनस ए 18s फाइंड हो गया जो कि हमने इस क्वेश्चन से फाइंड किया है, तो 18 माइनस 9 9, s माइनस ए 9 आ गया, s माइनस बी हमारे पास 18 माइनस 12 इज इक्वल टू 6 आ गया है, एस माइनस सी 18 माइनस 15 इज इक्वल टू 3 आ गया है, तो हमारे पास इसका जो आंसर आता है एस की जगह पे हम 18 पुट करेंगे, एस माइनस ए की जगह पे 9 पुट करेंगे, एस माइनस बी की जगह पे 6 एंड एस माइनस सी की जगह पे हम 3 पुट करेंगे। जब इनको आपस में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसके पहले हमने उन्हें फैक्टर बना लिए क्योंकि इसके ऊपर स्क्वेयर रूट है, अंडर द रूट है ये, तो दैट्स वाई 18 के जब परफेक्ट बनेंगे तो ये 2 9 जर 18 हो जाएगा, 9 एज इट इज आ गया, 6 का हमने 2 3 जर 6 कर लिया और ये 3, इस वजह से हमने इनको सेपरेट कर लिया कि ताकि हम इनको स्क्वेयर्स में कन्वर्ट करें, तो ये 2 1 एंड ये 2 सेकंड है, 2 का स्क्वेयर बन गया, 9 9 का स्क्वेयर बन गया और ये 3 3 का स्क्वेयर बन गया है, तो हमारे पास 2 का स्क्वेयर 9 का स्क्वेयर 3 का स्क्वेयर आ गया। जब हम इसको अंडर द रूट से जिसकी वैल्यू 1 बाई 2 है इसके कैंसिल कर लेते हैं तो 2 9 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास आ जाता है, इसको मल्टीप्लीकेशन के बाद 54 इसका आंसर आ जाता है। तो इसी तरीके से आपने एक्सरसाइज 4.2 के ये सारे क्वेश्चन अपने नोटबुक पे सॉल्व करने हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।